अगली कॉमिक्स राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता रीप्रिंट्स। टाइटल तो राम है पर मैं श्री राम कहूंगा। कवर नॉर्मल ग्लॉसी है और अंदर के कवर पेज के पीछे ये जो आर्ट बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत है पर थोड़ा पिक्सलेटेड है। हाथ में लेके देखिएगा, समझ में आएगा। आश्चर्यजनक रूप से दिलीप कदम जी, जिनसे भोकाल का आर्टवर्क जाना जाता है, उनका जिक्र क्रेडिट पेज में नहीं है। अंदर के पेजेस मुझे मैट लग रहे हैं और ये मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत अच्छी बात है। मुझे मैट बेहद पसंद है। ये श्री रामचंद्र जी की पूरी कहानी को 31 पेजों में समेटने की एक अच्छी कोशिश कही जा सकती है। रामायण की लगभग सभी मुख्य घटनाएं इसमें आपको संक्षिप्त में देखने को मिलेंगी। ये सेकेंड लास्ट पेज ठीक ठाक है लेकिन बहुत अच्छा चुनाव नहीं है। ये एंड का पेज जो है वो पुराना कवर हुआ करता था। साइज की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड साइज से बड़ी सर्व सत्र के आकार की है। प्राइस की बात करूं तो ये मात्र 75 रुपए में दे रहे हैं मनीष गुप्ता जी, और इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेहतरीन कॉमिक्स इस समय कोई भी नहीं दे सकता। इसी कड़ी में अगली कॉमिक्स है पवन पुत्र हनुमान। कवर बेहद खूबसूरत, अगेन दिलीप कदम जी का बनाया हुआ कवर, ग्लॉसी रखा गया है। इनर पेज में बहुत अच्छा आर्टवर्क लेकिन थोड़ा सा कम सैचुरेटेड, पर राम जी के बैक कवर वाले से बेहतर आर्टवर्क। ये पूरी कॉमिक्स हनुमान जी के बाल्यकाल से लेके हनुमान जी के राम जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की कहानी है, जो काफी संक्षिप्त रूप से 31 पेजेस में गढ़ी गई है लेकिन सारी मुख्य घटनाओं के साथ। और अंत में प्रयोग किए गए ये दो आर्टवर्क काफी कॉमन से हैं, शायद आपको कैलेंडर्स वगैरह में दिख जाए। इसकी जगह कुछ और क्रिएटिव हो सकता था। और रही बैक कवर की बात तो ये हनुमान पूजन यंत्रम इस कॉमिक्स की शोभा बढ़ा रहा है। रही प्राइसिंग की बात तो वही 75 रुपए जो बाकी किसी भी कमी को नगण्य कर देती है। अरे मगर ये क्या डबल कॉपीज? नहीं नहीं, ये कोई गलती नहीं है, ये डबल कॉपीज मैंने जानबूझकर मंगाई थी। दरअसल अयोध्या राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में जहां सारे लोग कुछ न कुछ कर रहे थे, वहां ये दोनों कॉमिक्स दो गुप्ता बंधुओं ने रिलीज की, तो ये दोनों प्रतियां आपके पास आ जाएंगी अगर आप इस गिव अवे के विजेता होते हैं। हाँ, बहुत बड़ा तो नहीं पर एक छोटा सा गिव अवे कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे जुड़े दोस्त ये जानते हैं, मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। इस वीडियो में ये रिवील भी कर रहा हूँ कि मैं आप तक क्या पहुँचाऊंगा। अभी एक छोटा सा ही नाम हूँ, पार्ट टाइम यूट्यूबर, तो एक छोटा सा गिव अवे सही। इसके पहले भी मैंने गिव अवे किया था, पर आपकी प्यार की बदौलत अगर ये चैनल कभी बड़ा बन जाता है तो बड़े गिव अवेज भी आएंगे। तो यही थी इस वीडियो की दूसरी कड़ी, जिसका सार ये है कि ये कॉमिक्स लेना बिल्कुल मत चूकिए। आप अपने कलेक्शन की शोभा बढ़ाइए या तो अपने बच्चों को गिफ्ट कीजिए। अरे रे, ये इंटरनेशनल गुप्ता जी की क्यूट स्टैंडीज तो बची गई। तो राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो जरूर देखिए भाई। हाँ, तो पिछली वीडियो में जो आपको प्रोडक्ट्स दिखाए थे, अश्व सम्राट बांकेलाल और उल्लंघन, उन दोनों कॉमिक्स में ये दोनों स्टैंडीज मिली हैं। ये दोनों स्टैंडीज में कौन से जीव हैं समझ में नहीं आ रहा, आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो यही थी आज की वीडियो। गिव अवे में भाग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। इस वीडियो में साथ देने और अगली वीडियो का इंतजार करने के लिए धन्यवाद। इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर आपको करता है सादर प्रणाम।